नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जब बच्चों को मोबाइल घर पे देते हैं, जैसे छुट्टी होने के बाद स्कूल से बच्चे घर जाते हैं, तो यदि आप शाम को बच्चों को पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चे की जो बात है, सबसे स्टार्टिंग जो बच्चा शुरू में सीखने के लिए जाता है, यदि पहाड़े उसको दे देते हैं, तो हमको किस तरीके से उसको तैयारी करना है, करवाना है, जिससे वो आसानी से हिंदी सीख सके। पहली चीज है कि हर बच्चे को हिंदी याद होना चाहिए। जब वो थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास तक जाए तो उसको हिंदी कंप्लीट होना चाहिए, मैं ये जानता हूँ। और उसके लिए हमें हमें एक अलग मेथड से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आज यदि हम आ से अनार, का से कबूतर, खा से खरगोश सिखाएंगे तो बच्चा कभी हिंदी नहीं पढ़ पाएगा। मैं आपको एक मेथड सिखाता हूँ। इस मेथड से आप छोटे बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवाएंगे और प्रैक्टिस करवाने के बाद उनको इस तरीके से सिखाएंगे, कैसे, जैसे मैं प्रैक्टिस। यदि आपने मोबाइल छोटे बच्चों को दिया है तो ये वीडियो आप चला के उनको दे दीजिए। बार बार वो देखेंगे इस चीज को तो उनको रिपीटेशन होगा। जैसे सबसे पहली चीज, मैंने यहाँ पे कुछ छोटे बच्चों की जो कक्षा है उसमें जो नर्सरी वाले बच्चे रहते हैं, पहली वाले बच्चे, यदि वो उनको सबसे पहली चीज मैं कह रहा हूँ कि हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, छोटे जो बच्चे हैं ना, यदि उनको इस तरीके से यदि हम अनाराम की तैयारी करवाएंगे तो मैं ये कहता हूँ 100% की छोटे बच्चे सीख जाएंगे। पर उनको सिखाना कैसे पड़ेगा, इस टेक्निक से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप बार बार रिपीटेशन करवाइए। कैसे, घर पे यदि हम बच्चों को लेकर के बैठे हैं तो कैसे प्रैक्टिस करवाना है हमको। चैप्टर नंबर पहला, मतलब मैं चैप्टर पहला बना रहा हूँ हिंदी पढ़ने के लिए कि कैसे हिंदी को पढ़ा जाता है, ये पहला चैप्टर हम सीख रहे हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर टू आएगा, उसको भी बच्चों को आपको दिखाना है घर पे। चैप्टर थ्री आएगा, उसको भी दिखाना है। तो पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर पहला है कि जब बच्चा कुछ भी नहीं आता है तो उसको अनाराम किस तरीके से हमको प्रैक्टिस करवाना है, यदि उसको अनाराम नहीं आते हैं तो सबसे पहली चीज, हमें बच्चों को अनार नहीं पढ़ाना है, इसको बच्चों को पढ़ाना है आ। क्या लिखा है ये, आ। इसको आ जोर से पढ़ना, आ आ ई ई उ उ ए आई ओ औ हम, हाँ, इस तरीके से हमको छोटे बच्चों को सिखाना है। आ आ ई ई उ उ ए आई ओ औ हम, हाँ, इससे क्या है, बार बार उसको रिपीटेशन करवाना है। फिर इसको क का पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क। फिर क्या पढ़ाना है, ख ग घ अणिया, ओके, चा छा जा झा ना टा ठा, ऐसे पढ़ाना है। एक बार और रिपीटेशन में करवा देता हूं। इसको बोलेंगे का ख ग घ ना चा छा जा झा ना टा था। फिर पढ़ाएंगे डा ढा अणा त थ द ध न प फ ब भ म या र ल व श श श ह छ त्रे ग्य। इस तरीके से हम बच्चों को बार बार सिखाएंगे। कैसे, का खा गा घा, ऐसे हमको सिखाना है। क ख गा घा, बार बार उसको दोहराइए, का खा गा घा, बार बार वो बोलेगा क ख गा घा, ओके, हमको ये सिखाना है। फिर क्या सिखाना है, ना चा छा जा झा ना, क्या सिखाना है, चा 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 छा जा झा, चा छा जा झा, बार बार चा छा जा झा, है ना, टा ठा डा ढा ना, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ता था
ध धा ना, पा फ बा भ म, पा फ बा भ म, या रा ला वा श, श शा हा छ त्रे ज्ञ। इस तरीके से हमें सिखाना है। और मुझे पता है कि पहले ऐसा ही पढ़ाया जाता है, अभी का से कबूतर तो अब सीखे हम, बाकी ये चीजें हमको सिखाना है। का खा गा, इस तरीके से हमें सिखाना है। ये क्या है का, ये क्या है खा, ये क्या है गा, ये क्या है घा, ये ना, चा छा जा छा, इस तरीके से हमें सिखाना है। ना टा ठा डा ढा ना, ता ठा डा ढा ना, पा फा बा भा भा मा, या रा ला वा शा 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 के बाद हा छा त्रे ग्या। इसमें एक शब्द और आता जो कि है ऋषि। ऋषि का यूसेस मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि छोटे बच्चों को ऋषि लिखने में बहुत समस्या आती है, तो ऋषि जब वो अच्छे से ये सीख जाता है तो हम इसको लिखना सिखाएंगे बच्चों को, किस तरीके से हमको ऋषि लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है कि ऋषि उसको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऋषि लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि जैसे ही हम इसको बार बार बोलेंगे कि इसको क्या है, ये का, ये क्या है खा, ये गा घा, है ना, चा छा जा, जब बच्चा ये सारी चीजें सीख जाए तो आप क्या करेंगे उसको प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। प्रैक्टिस सेट कैसे करवाना है, उसमें से बीच में से पूछिए आप अक्षर, कैसे ये क्या लिखा है टा, बच्चा बताएगा ये क्या लिखा है टा, ये क्या लिखा है ठा, ये क्या लिखा है चा, सरल दीजिए आप, ये क्या लिखा है मा, ये क्या लिखा है छा, ये क्या लिखा है गा, और ये क्या लिखा है ला, ये क्या लिखा है स, ये क्या लिखा है ग्या, ये क्या लिखा है पा, ये क्या लिखा है था, ये क्या है धा, ये क्या है खा, ये क्या है ओ, और ये क्या है ह। तो इस तरीके से ट ठा चा मा छ गा ल स ग्या प था धा खा ओ ह, इस तरीके से। तो इसको कब कितनी बार हमको प्रैक्टिस करना है कि घर पे यदि आप है तो कम से कम स्टूडेंट्स को 10 बार आपको प्रैक्टिस करना है। अब क्या हो रहा है, स्कूलों में कबूतर खरगोश गमले घड़ी पढ़ा रहे हैं, पर हमको ये नहीं करवाना है। आपको घर पे बच्चों को मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको सिखाना है, क्योंकि स्कूल में हम ऐसे ही सिखा रहे हैं, क्लासेस में ऐसे ही हम रिविजन करवाएंगे बच्चों को, और आप भी घर पे इस तरीके से सिखाइए ताकि अधिक से अधिक उनको सपोर्ट मिल सके। जब वो हिंदी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि ये हमने 5 दिन में भी रिकवर करवा दिया, 10 दिन में हमने रिपीटेशन इसका करवा दिया, तो दो शब्द को आपस में हम जोड़ना सिखाएंगे। तो जब मैं सेकंड चैप्टर लेकर आऊंगा, सेकंड वीडियो में आपको मिलूंगा, तो बच्चों को मैं अच्छा जोड़ना सिखाऊंगा। तब तक आपको क्या करना है, इसको बार बार सिखवाना है, जैसे क ख ग घ न, इतना अपन ने सिखा दिया। अब क्या करना है आगे, अपन क्या करना है चा छा जा झा न, बस इतना सिखाना है। फिर टा ठा डा धा न, उनको अक्षर पहचानना है कि ये क्या लिखा है बेटा, ता ये था ये दा ये धा ये ना ये पा ये फा ये बा ये भा, वो यदि बताने लग जाए ना, ये माँ है, ये यह है, ये रा है, ये ला है, ये वा है, ये शा है, शा शा हा छत्रे या। और इस तरीके से हमको क्या करना है, इसको बार बार यदि वो दोहराएगा ना, स्टूडेंट्स क्या करेगा, छोटे बच्चे दोहराएंगे बार बार, तो उनके माइंड में क्या है कि वो ऑटोमेटिक ये क्या लिखा है का, वो ऑटोमेटिक बताएंगे, ये क्या लिखा है ना, ये क्या लिखा है पा, बस आपको प्रैक्टिस करवाना। फिर आपको क्या करना है कि बीच में से पूछना, क्या करना है, जैसे टा ठा चा मा छा गा ला शा ग्या पा थ धा खा ओ ह, इस तरीके से हमको करना। तो बेसिक हमें क्या करना है कि बार बार इसको रिपीटेशन करना है छोटे बच्चों की कक्षा में। इसको यदि आपने बार बार सिखा दिया तो 5 से 10 दिन में हिंदी पढ़ने लग जाएगा, दो अक्षर का जो दो अक्षर रहते हैं ना, दो वर्ड्स, वो सारी चीजें। तो वो सेकंड में चैप्टर में आपको बताऊंगा कि यदि ये कंप्लीट है तो ऑटोमेटिकली हिंदी पढ़ेगा, भले वो छोटा सा बच्चा होना नर्सरी का तो भी वो पहचान जाएगा। जैसे सपोज मैं दूसरे चैप्टर में आपको बताऊंगा बहुत अच्छी चीज है, जब मैं सेकंड टाइम में मिलूंगा तो आपको वीडियो में आपको भी बता दूंगा। तो जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करवाइए, यदि पहला दिन स्टूडेंट्स आया है, पहले दिन उसने क्लासेस ली अटेंड करी,
तो पहले दिन उसको अनार आम नहीं पढ़ाना है, अपने को ये नहीं सिखाना, हमको यही सिखाना है आ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम का खा गा, ऐसे सिखाना है, ना कि का से कबूतर सिखाना है। ये चीजें हमको माइंड में उसको रिपीटेशन करना है। कबूतर तो बताना ही नहीं है, खरगोश नहीं बताना है। यदि हमने उसको कबूतर और खरगोश बताई ना, तो वो क्या करेगा कि आपने पूछा क्या लिखा है, वो बोलेगा कबूतर, अब मेरे को लिखना है कबूतर मच्छी, ऐसा बोल के बताएगा, तो दिक्कत आएगी ना। तो हमें क्या करना है, आपको का और इसको माँ बोलना है, तो वो का म, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो सेकंड चैप्टर में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एक, जिससे आसानी से स्टूडेंट सीख जाएगा। तो आप इसको क्या करें, इसको घर पे जाकर के 2 से 3 बार रिपीटेशन करवाए उसको, स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहा है ना घर में, उसको 2 से 3 बार आप, जो स्टार्टिंग वाला है, जिसको हिंदी बेसिक जो बच्चे हैं ना, जो अनाराम सीख रहे हैं, उन बच्चों के लिए मेथड बहुत अच्छे, तो आपको ये चीजें सिखाना है अभी से। और इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या क्लासेस मेरा जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसे सीखें, ठीक है, ऐसे बहुत अच्छे से सीखेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे आप। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपन सीखेंगे कि दो अक्षर को आपस में कैसे जोड़ें। जैसे फर्स्ट ले लिया कोई सा भी अनाराम में अक्षर, फिर दूसरा अनाराम में फिर ले लिया, उसको प्लस कैसे करें, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो पहला चैप्टर तो ये बच्चों को कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर में। धन्यवाद आप सभी का, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, गुड बाय, सी यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक।